सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कोशिश और प्रयास करे। सफलता मौके और वातावरण पर निर्भर करती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनकी महक पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती है। आज का पंचांग माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 5:16 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:23 से 9:49 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार। पुरानी और बेकार चीजों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इनमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको इस काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। आप अपने व्यक्तिगत कार्य में उचित समय व्यतीत करेंगे, जिसकी वजह से मानसिक सुकून रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका सम्मानजनक स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में उचित रिजल्ट मिलेंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय बदलने की कोशिश लोगों द्वारा की जा सकती है, लेकिन आपके जिद्दी स्वभाव के आगे उनको झुकना पड़ेगा। निर्णय लेते समय केवल यह याद रखें कि आप अपने ईगो से प्रभावित होकर निर्णय न लें। पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद को मिटाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किए जा सकते हैं। जो लोग नए से व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनको उचित मार्ग और अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ निर्णय आपको ही लेने होंगे, इसलिए भावनाओं में संतुलन लाने की कोशिश करें। सावधानियां। घर के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। निकट संबंधी से वाद विवाद उत्पन्न होने जैसी स्थिति भी बन रही है। अपने स्वभाव में धैर्य और संयम बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण उचित बनाए रखने के लिए अपने अहम और गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाएं। आप किसी अलग संस्कृति या किसी दूसरे देश के रहने वाले के प्रति आकर्षित भी हो सकती हैं। आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक अनुभव करेंगी। जब आप इस आदमी के साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो इस संबंध को जल्द ही कोई ठोस रूप भी मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपके अवचेतन अव्यवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है, जिसमें आप फंस सकते हैं। सुझाव व उत्पादों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपने बजट को खाली करके नहीं। तथ्यात्मक यह सब अच्छा नहीं होगा, बस धैर्य रखने की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर रहेगी। किसी अन्य काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है,
वर्तमान व्यवसाय संबंधित लाभ के स्रोत में इजाफा होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसे कि आप चाह रही थी। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहे आपदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से शारीरिक एक्सरसाइज मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। आज का उपाय। आज आप शाम को काले तिल में कच्चे चावल मिलाकर किसी गरीब को दान करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।